हेलो हेलो। हेलो हाँ बोला। सर, ये खानदास गोड फार्म से बात कर रहे हैं ना आप? हाँ बोलिए। सर नमस्कार, मैं नागपुर से बात कर रहा था। सर थोड़ा एक आपसे कुछ डिटेल चाहिए थी सर। जैसे मेरे पास, मेरा एक गोड फार्म है। हाँ बोलिए ना। गोड फार्म बोले तो कैसा सर, घर में ही रख रहा हूँ। मेरे पास में 20-25 बकरे हैं सर, अलग अलग नस्ल के। तो उसमें कुछ अच्छा गावरानी भी है, बरबरी है, तोतापुरी है बढ़िया। और किरोई वगैरह भी है, दो तीन अलग अलग है अच्छा सब। हाँ। तो ये सर एक्चुअली क्या है, तो हम लोग मॉर्निंग सुबह चराने के लिए लेके जाते 5-4 घंटा। इधर चारा है नहीं इतना। हाँ। उसके बाद फिर 11 बजे 12 बजे से लेके फिर हम लोग 4 बजे तक फिर रेस्ट देते। उसके बाद हाँ। फिर हम लोग 4 से 6 तक और चराते हैं। तो उसमें कैसे सर, उतना वेट गेन नहीं हो रहा है, और जैसा यानी बढ़ना चाहिए ना वैसा बढ़ नहीं रहा। बीच में हम लोग रात में जैसे खाने के लिए देते हैं वो भूसा वगैरह। नहीं सर जी, देखो आपने पहले ही खुद ही कहा कि चारा नहीं है वहां पे, हाँ तो अगर उनका पोषण चारे के हिसाब से ठीक से नहीं हो रहा होगा तो वेट गेन कहाँ से मिलेगी आपको। हाँ तो आपका मतलब पर्पस क्या है गोट फार्मिंग का? पर्पस ये है सर, पर्पस तो अपना वही है सर, कमर्शियली अपना पर्पस। कमर्शियली अगर है तो एक ही नस्ल हाँ संभालो सबसे पहले तो आप। हाँ हाँ क्योंकि इतनी सारी नस्ल मतलब संभाल के आप करोगे क्या? वो एक्चुअली कैसी है, अपन ने घर में थी कुछ, और कुछ हाँ हाँ जैसी कुछ जान पहचान रिश्तेदारों से कलेक्ट कर करके जमा किया अपन ने, नहीं ऐसा है वो। आपकी सब बातें ठीक है, आप घर पे भी रखो कैसे भी करो पर एक ही नस्ल के साथ काम करो अच्छे से और उनके खाने पीने पे ध्यान दो। नंबर ऑफ गोट्स कम है, आपके पास चार भी बकरी रही तो बहुत अच्छा है, क्योंकि चार बकरी से उतना कमा सकते हैं आप जितना 25 से नहीं कमा सकते अगर उनको पूरे अच्छे से आप देखभाल करो तो खाने पीने में ध्यान रखो उनका फिलहाल। तो मैं ये सोच रहा था, पूछना चाह रहा था सर आपसे, जैसे उनका टाइमिंग वगैरह क्या रखना चाहिए और क्या फीड देना चाहिए उनको। जैसा मैं रात में उनको खाने के लिए सिंपली बात देता हूँ तो बता उतना दो मैं खाते एकदम नहीं है वो। प्रैक्टिकली, जी बकरी जी को कभी भी खिलाओ आप कोई टाइम नहीं, हाँ सिर्फ पेट जी भर के खिलाओ और जो भी खिला रहे हो अच्छा खिलाओ, जैसे बस मैं शाम कभी भी में खाती बकरी कभी भी डालो उनको। एक तो सिंपल इधर जैसे फार्म पे होता है सुबह शाम दो टाइम हरा चारा, दोपहर में थोड़ा सा सूखा दिया तो वो, और शाम में या सवेरे कभी भी एक टाइम पे खुराक, ये शेड्यूल रहता है हर फार्म का थोड़ा बहुत 19-20। तो इसमें नया कुछ नहीं करना है आपको। हाँ तो जैसे ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी चारा नहीं है करके हम लोग खिलाते हैं उनको। एक लड़का भी रहता है पूरा, वो नहीं पर झाड़ वेट गेन वाड़ नहीं मिल रहा ना पत्र। अपने को तो हाँ सफिशिएंटली वेट नहीं हो गेन, रहा, उस पर से बात हाँ क्लियर हो जाती सर। उतना मैं नहीं मिल ऐसा रहा नहीं जितना कहूंगा मिलना कि आप चाहिए। खिला ही नहीं रहे हैं, पर हमको वेट गेन भी मिलने को होना ना। कम से कम राइट देखो सर। आपके पास सिरोही है, सिरोही में 120 से ऊपर पर डे वेट गेन मिलने को ना आपको, 120 ग्राम उतना से नहीं मिल रहा। ज्यादा। बारबरा भी रहा तो 80 ग्राम तो भी कम से कम वेट गेन दिखाना ही चाहिए, उस्मानाबादी अस्सी कुछ तो ग्राम आया क्योंकि मेरे रख पास लो था, जो मैंने। मैंने जो लाया था हाँ तो अच्छे थे, बाद में उसका वेट थोड़ा और कम हो गया नहीं उल्टा। आप मतलब आपका सभी जो चारे का है ना वो पूरा डिस्टर्ब है, आपको मैं सिंपली कहूंगा फिर आप अगर चारा अच्छे से नहीं दे पा रहे तो खुराक बढ़ा दो उनका, वो मैं अगर जैसे भी पॉसिबल है आपको तो वो अच्छा इनको रहेगा ये आपके जो लिए। कुटार मिलता है ना सर, अपना हाँ गेहूं चने का वो, और उसमें चोकर मिक्स करके थोड़ा गीला करके खिलाता हूँ शाम में। गेहूं का कुटार कुटार, कुटार उसमें बोले तो वही चोकर। भूसा, गेहूं का नहीं सर, चने का जो आता है ना भूसा, जो गाय वगैरह भी खिलाते हैं वो, और चोकर मिक्स करके खिलाता हूँ मैं रात में उनको। तो बस और उसमें अलावा क्या दे रहे हैं आप खुराक में उनको? बस वही देता हूँ मैं, और 2 बार चरने जाते, 6-7 घंटा यानी चर के आते। नहीं आप एक काम करो ना, मक्का मिल रहे होंगे अभी कम दाम है हाँ फिलहाल, मक्का खरीद के कम से कम 200 ग्राम पर जानवर तो भी मक्का चालू करो उनको, उनमें ठीक है। मिनरल मक्का मिनरल मिक्सचर साबित वाला, डालो हाँ आप। साबित वाला ना, हाँ साबित पाउडर वाला, भी आता है साबित। हाँ ठीक नहीं है। साबित हाँ वाला ठीक लेना पाउडर वाला नहीं लेने का, है। वो हाँ दो आप उनको और उसके अंदर मिनरल मिक्सचर और नमक दोस्त फिलहाल, और चोकर वगैरह भी दे सकते साथ में। ये थोड़ा सा एवरेज बात हो गई खुराक में, ये तो कंप्लीट नहीं है फिर भी ठीक है, अभी इतना तो भी दे दो आप। और वैसे अब इसमें जो आता दाल मिल का वेस्ट जो आता है वो अगर दे सकते तो बहुत अच्छा रहेगा उनको। दाल मिल का तो अभी लॉकडाउन के बाद ही पता चलेगा सर कहाँ ठीक है मिलता ना, है क्या। मक्का तो मिल जाएगा आपको कहीं से भी लाइन मक्का तो लगाओ, मिल किसानों जाएगा, का राइट खुल राइट रहा है इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था, वो लाइए आप और वो दीजिए। ठीक है ना सर। और एक बात पूछना था, जैसे ये अभी हाइड्रोपोनिक चारा आ रहा है सर, है नहीं ना? हाइड्रोफोनिक एडवाइजेबल नहीं है गोड्स में, उससे दूर रहो आप।
नहीं तो जैसे मुझे एक दो जन ने सजेस्ट किया ये सस्ता भी रहता है सस्ता रहता है करके तो मैं मशीन लगाने वाला था। महंगा है वो, सस्ता नहीं हो, बकरी के हिसाब से महंगा हो जाता है वो। उससे अच्छा तो साबुत मक्का खिलाओ ना। अब मक्के का हाइड्रोपोनिक कर रहे तो फिर मैं कहेगा कह रहा हूँ किसी मक्का दे दो, क्लियर हो जाएगा सब। ठीक है ना, 200 ग्राम मक्का एक एक गोट को कम से कम, एक एक गोट को कल सर कम से कम वजन के 0.5% तो भी मक्का देने को ना, मतलब 40 किलो का जानवर है ऑन एन एवरेज तो 200 ग्राम मक्का दे दो। अभी सिरोही वगैरह जो भी ब्रीड बोले आपने वो एवरेज 40 किलो की हो गया, अभी भी वजन थोड़ा कम हो गया होगा तो ठीक है, फिर भी 40 किलो के हिसाब से आप उनको अभी खुराक शुरू कर दो। जी जी हाँ, तो क्लियर हो जाएंगे सब जानवर। एक बार डीवर्मिंग कर लो उनका, क्योंकि थोड़ा सा वीक होने के बाद दंत थोड़ा तकलीफ देते हैं गोट्स में, एक बार डीवर्मिंग हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा सभी जानवर। ठीक है।